राम रहीम के जेल जाने के बाद से ही उसकी कथित बेटी पुलिस के लिए अबूझ पहेली बनी हुई थी, लेकिन मंगलवार को हनीप्रीत अचानक न्यूज चैनल्स पर नजर आई। न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान उसने राम रहीम से अपने रिश्ते से लेकर तमाम आरोपों पर खुलकर बातचीत की। तो आइए जानते हैं कि आखिर हनीप्रीत ने कौन कौन से 5 बड़े खुलासे किए हैं। नंबर 1, पाक साफ है राम रहीम से मेरा रिश्ता। राम रहीम से अपने रिश्ते के बारे में बोलते हुए हनीप्रीत ने कहा कि बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को उछाला जा रहा है। एक बाप बेटी के रिश्ते को तार तार कर दिया। क्या एक बाप अपनी बेटी के सिर पर हाथ नहीं रख सकता है? क्या एक बेटी अपने बाप से प्यार नहीं कर सकती है? नंबर 2, मैं पूरी तरह से बेगुनाह हूँ। पंचकुला में हिंसा भड़काने और राम रहीम को भगाने की साजिश रचने के आरोपों पर हनीप्रीत ने कहा कि एक लड़की इतनी पुलिस फोर्स के बीच बिना इजाजत कैसे जा सकती है। मैंने एक बेटी का फर्ज अदा किया, सारे सबूत दुनिया के सामने हैं। ऐसे में मैं हिंसा में कहाँ शामिल थी, मेरे खिलाफ किसी के पास क्या सबूत है। नंबर 3, डेरे में नरकंकाल होने की बात गलत। डेरे में नरकंकाल दबे होने के आरोपों पर हनीप्रीत ने कहा कि डेरे में लोगों की हत्या किए जाने और लाशों को डेरे में ही दफनाए जाने के आरोप लगाए गए, लेकिन जो लोग डेरे में नरकंकाल होने की बात करते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या नरकंकाल मिले। नंबर 4, बेगुनाह है मेरे पापा। राम रहीम पर लगे आरोपों के बारे में हनीप्रीत ने कहा कि राम रहीम पूरी तरह से बेगुनाह है। हनीप्रीत ने पूछा कि क्या आरोप लगाने वाली लड़कियां मिली। उन हजारों लड़कियों की बात अनसुनी करके सिर्फ एक खत के आधार पर किसी को कैसे गुनाहगार ठहराया जा सकता है? मेरे पापा बेगुनाह हैं और आने वाले वक्त में बेगुनाह साबित होंगे। और नंबर 5, एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। हनीप्रीत ने कहा कि मैं कभी भी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, मैं तो सिर्फ कैमरे के पीछे काम करना चाहती थी, लेकिन पापा ने मुझे काम करने के लिए कहा, इसलिए मैंने काम किया। इतना ही नहीं, हनीप्रीत ने राम रहीम को फिल्मों में लाने की अपनी किसी भी भूमिका से भी इनकार कर दिया। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।